इंदौर में गुंडा अभियान के तहत शुरू की गई गुंडों को आर्थिक रूप से कमजोर करने और उनकी अवैध संपत्तियों को तोड़ने की कार्यवाही जी हां एक बार फिर से निगम द्वारा शुरू की जाएगी, जिसके संबंध में पुलिस विभाग के द्वारा एक सूची नगर निगम उपलब्ध कराई है, जिसके दस्तावेजों की जांच नगर निगम द्वारा की जा रही है। दरअसल इंदौर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से शहर में गुंडों को आर्थिक तौर पर कमजोर बनाने के उद्देश्य से उनके अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई की गई थी, जिसमें नगर निगम ने पूरे शहर में कई कार्रवाई इस अभियान के तहत की थी। वहीं अब इस अभियान को लेकर निगम अधिकारियों ने एक बार फिर पुलिस विभाग की मिली सूची के अनुसार नगर निगम ने नोटिस जारी कर निर्माणों के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद अब कुछ ही दिनों में निगम फिर से यह पूरी कार्रवाई करेगा।